Good morning, students. Today we will start new chapter synthetic fibers and plastics. And in this video we will know about natural fiber, synthetic fiber and types of synthetic fiber. So let us start. पहले ये जानते हैं कि फाइबर क्या होता है. स्टूडेंट्स, जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं और फैब्रिक्स फाइबर्स से बने होते हैं. फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स. फाइबर इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंबाइन टू फॉर्म फैब्रिक्स. स्टूडेंट्स, फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट आर नेचुरल फाइबर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स मेड बाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टूगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस. मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मर. पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट. सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स. पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्युलोज. सेल्युलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. टाइप्स ऑफ synthetic fibers. There are different types of synthetic fibers. Rayon, nylon, polyester, acrylic. In next video, we will study about these synthetic fibers in detail. Now, let us revise what we have learned today by solving some questions. Question number 1. Natural fibers are man-made. Option B, obtained from plants and animals. Option C, both A and B. Option D, none of these. And the right answer is option B, obtained from plants and animals. Question number 2. Fabric is made of. Option A, steel. Option B, fiber. Option C, paper. Option D, none of these. Right answer is option B, fiber. Practice makes perfect. These are some homework questions. Question number 1. Name a natural fiber. Question number 2. Name some artificial fibers. Question number 3. What is synthetic fiber? I hope that you will answer these questions correctly. Thank you.